हटानी हर कोई तो बेच रहे, अब तो हमारी किसानों की जमीन पर निगाह है इनकी, ये तो जमीन पर निगाह है अडानी हर की। अडानी अंबानी हरी नहीं तो बेच दिया सारा देश, जमीन बची रही उन पर निगाह। हम लोगों को तो वह बचानी है, और केंद्र में जाट को आरक्षण चाहिए, हमें केवल चाहिए जाट के लिए आरक्षण। अरे भाई सबको दो, जो दलित का हिस्सा दलित को दो, हम दलित विरोधी थोड़ा ही है। किसी के प्रति किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाने का किसी को कोई अधिकार नहीं होता। अगर संविधान नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो छोट बड़ाई का हिसाब किताब, मान मर्यादा का हिसाब किताब ये रहना चाहिए। ये तो घर में ही अगर छोट बड़ाई और एक दूसरे की शर्म लियाई नहीं होगी, संविधान नहीं होगा तो फिर देश कैसे चलेगा। तुम्हारी कलम में बहुत ताकत होती है, आपकी कलम और ये कैमरा ये बहुत कुछ काम करता है। तो उनका राजनीति खड़ा है, वो तो उनका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त तक मौजूद है तालकटोरा स्टेडियम में। यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं और ये लोग जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और इनकी और आगे क्या मांगे हैं इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। सरकार से हमारी मांग जाट आरक्षण के लिए है। केंद्र में हम लोगों का आरक्षण कांग्रेस की सरकार में चौधरी अजीत सिंह ने दिलवाया था, जो वो बाद में हमारा आरक्षण कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। केंद्र में हम लोगों की मांग है जाट के बच्चों को आरक्षण मिले। लेकिन मोदी जी कह रहे कांग्रेस ने सिर्फ तबाही मचा रखी थी। भाई वो तो मोदी को पता होगा या कांग्रेस को पता होगा, हमारे लिए तो आरक्षण की बात है। हम केवल आरक्षण की बात करने आए हैं, हम अपना आरक्षण मांग रहे हैं। अगर हमें मोदी आरक्षण दे दो तो हम तो मोदी का सबसे पहली माड़ा हम ही गिरेंगे। लेकिन आरक्षण चाहिए हम लोगों को, हमारी साथ बहुत जायती है, किसान लोग हैं, किसानों को जो सुविधा जो इन्होंने वादे किए थे, बिजली माफ के वादे करे थे, हमारे यहाँ मीटर और लगा दिए गए हैं, 12 मीटर लग गए नलकूपों पर, हमारी सुविधा देने के बजाय घटा दी गई है। बीजेपी कह रही है ना कि कांग्रेस तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी तो अधूरे काम पूरे होंगे। भाई इन्होंने तो जो सबसे पहले कहा था वे तो पूरे कर दो, अभी तो समय है, ये समय है पूरे करने का, वो पूरा करना चाहिए। हमारी बिरादरी के काफ़ी बच्चों को आरक्षण का लाभ दिल्ली में मिला था, जो आरक्षण रद्द होने के बाद वो लाभ वापसी हुआ है। ट्रैक्टर है आपके पास, जमीन है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, सक्षम है। हमारे ट्रैक्टर वो हमें पता बेटा कैसे हैं, हमारे पूर्वजों ने कैसे किया है, वे हमारे सब लोन पर हैं। ज़्यादातर जमीन हमारी परिवार बढ़ते हुए जा रहे हैं, छोटी होती जा रही, जोत भी हमारी छोटी होती हुई जा रही है, और खेती से खेती का हिसाब साल भर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। जो उनका हिसाब रखना चाहता हो हमारा हिसाब रख लो, हमारे खर्चे ही चलवा दो। महिलाओं का आरक्षण दे दिया मोदी जी ने, बताइए किसे दिया? महिलाओं को। अरे भाई अभी कहाँ दिया, ये तो चुनाव लड़ाने की तो बात कर रहे, जब देंगे जब। हमें केवल चाहिए जाट के लिए आरक्षण। राम मंदिर बन रहा है, हम आरक्षण के लिए आए हैं, हम किसी और चीज के लिए नहीं आए, हमारा आरक्षण था। आपको आरक्षण दे देंगे तो दलित लोग कहाँ जाएंगे? अरे भाई सबको दो, जो दलित का हिस्सा दलित को दो, हम दलित विरोधी थोड़ा ही हैं। अगर दलित का जितना बैठता है दलित को दो, हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो हमारा हक अधिकार वो हमें चाहिए। मोदी जी कह रहे एक और मौका दे दीजिए, कर्ज माफी, सब कुछ, किसान का भला हो जाएगा। हम ये चाहते हैं ऐसे कानून, ऐसी नीति बनावा जो किसान कर्जदार हो ही ना। हम कर्जदार क्यों कर रहे, हम कर्जदार ना किए जा, ऐसी नीति हमारे लिए अपनाई जाए जो हम लोग कर्जदार ना हो। सरकार कहती है आप गुमराह हो जाते हैं पार्टी में। हम कहेंगे गुमराह हो गए, हम तो चरण सिंह वादी आदमी हैं भाई, हम कहाँ गुमराह हो रहे, हम तो उस खून के बने हैं आदमी हैं जो चरण सिंह ने किसान को किसान बनाने का काम कराया था। आंदोलन जी भी है, आंदोलन कहाँ कर रहे हैं हम तो अपना आरक्षण मांग रहे, आंदोलन जी भी कहाँ है। अरे हम तो पहले भी भाई पता नहीं आप लोगों के सही सुना हमने, जो किसान तीन कानून काले कानून हम लोगों के ऊपर थोपे गए थे, हमें तो जब पता नहीं क्या क्या बता दिए थे, जब खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बता दिए थे, हम समझा नहीं पाए। तो ठीक हूँ ना, अपनी बात गलती मान ली, ठीक हो गया मामला, आरक्षण दे दो। लेकिन उसमें भी अभी खामियां हैं, जो हमारा एसएमपी रेट था, एसएमटी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें हमारी फसलों की खरीद अब भी नहीं हो रही है, उसमें भी खामियां भी रह रही हैं। 9 साल बेमिसाल बीजेपी बता रही है।
क्या बता रही? 9 साल बेमिसाल, 9 साल में अच्छा काम हुआ है, सब खुश है, रोजगार मिल रहे हैं। पता नहीं भाई, तुम्हें पता होगा, हमें तो पता नहीं, हमारे गांव में किसी बालक की नौकरी लगी नहीं, हमारे इलाके में नहीं लगी। और नौकरी कहाँ से मिल भाई, नौकरी कहाँ से मिलेगी? सारे विभाग तो बेच दिए, प्राइवेट कर दिए। जो मिलिट्री की नौकरी थी वह 4 साल की कर दी, अब नौकरी रह कहाँ गई? इन्होंने छोटी कौन सी, किसे देंगे, कहाँ देंगे, बताओ। बीजेपी कह रही है अडानी का विकास, देश का विकास। अडानी हर कोई तो बेच रहे, अब तो हमारी किसानों की जमीन पर निगाह है इनकी, ये तो जमीन पर निगाह है अडानी हर की। अडानी अंबानी हरी नहीं तो बेच दिया सारा देश, हमारे पर छोड़ क्या रहे, जमीन बची रही उन पर निगाह, हम लोगों को तो वह बचानी है। और केंद्र में जाट को आरक्षण चाहिए। अच्छा, अगर सरकार आरक्षण ना दे तो क्या करेंगे? सोचेंगे भाई, ये केले का मामला तो है नहीं, बैठ कर कुछ ना कुछ सोचेंगे, ठीक ही सोचेंगे। 2024 में क्या होगा? अब सोचेंगे, अभी बताओगे। तो मोदी जी कह रहे हैं ना कि टक्कर में कोई नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है, पप्पू है। पप्पू कौन? राहुल गांधी। नहीं, किसी के प्रति ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। मोदी जी एक जिम्मेदार आदमी है, देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी कह रहे हैं मूर्खों का सरदार है राहुल गांधी। भाई वो गलत ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी को, हमें तो कोई ऐसी बात उसकी लगी नहीं। वो तो लमड़ा ठीक सा ही बोल लो, हम तो सुनो जाओ उसके भाषण पासन से भी, हमें तो कुछ ऐसा लगे नहीं। किसी के प्रति किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का किसी को कोई अधिकार नहीं होता, तो गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। अच्छा, पीएमओ के अधिकारी हैं, उन्होंने जिक्र करा था कि संविधान को बदलना चाहिए, संविधान हटाना चाहिए। भाई एक बात तो सुन, अगर संविधान नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो छोट बड़ाई का हिसाब किताब, मान मर्यादा का हिसाब किताब ये रहना चाहिए। ये तो घर में ही अगर छोट बड़ाई और एक दूसरे की शर्म लिहाई नहीं होगी, संविधान नहीं होगा तो फिर देश कैसे चलेगा? संविधान तो मजबूत रहना चाहिए। अच्छा, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, किसका पलड़ा भारी रहेगा 2024? पता चल जाएगा, तुम ये लिखोगे ये तो तुम ही लिखोगे। भ्रष्टाचार है उसमें भाई, पता तो तुम्हें भी है सारा। नहीं नहीं, तुम्हारी कलम में बहुत ताकत होती है, आपकी कलम और ये कैमरा ये बहुत कुछ काम करता है। अगर आप चाहो इस कैमरे और कलम से तो हमारी जाट आरक्षण में भी काफी मदद करोगे। आप लोगों ने किसान आंदोलन में भी काफी मदद की है, 13 महीने आपने हमारी बात बड़ी मजबूती से उठाई और मुझे आश्वास है। आप गहरी चश्मा उतार, विकास दिखेगा आपको बीजेपी सरकार में। क्यों, विकास ऊपर हो रहा है भाई, या जो हम धरती पर खड़े ये सब ऊपर कोई धरती है? अरे हमारे पास जमीन कम रह रही है, 4 आदमी हम अपने भेज रहे हैं, हम वहाँ जमीन ला दो दिखवा के कहाँ है? हम तो अपना ट्रैक्टर वहीं जा चलाओगे, अपनी भैंस वहीं बांध लेंगे जहाँ बता रहे थे ऊपर। मोदी जी, कब कहा? लाल किले से, मतलब कहने से बनक रहे, वोट गिरने से बनक रहे। जेब में पैसे होंगे जब तो सामान खरीद देंगे, और जब जेब में पैसे नहीं होंगे दुकानदार सामान कहाँ से दे देगा? वोट लगी जब ही तो बनेंगे भाई, जिसकी पड़ जाएगी उसकी पड़ जाएगी, वो बन जाएगी, हमें क्या दिक्कत है? मिलेगा जब ही तोड़ सके, नहीं ना देना के वोट, ये तो हारेगी भाजपा। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस एक समुदाय को दूसरे समुदाय से हिंसा करवाना चाहती है। कहाँ करवाई भाई, कहाँ करवाई? उनके टाइम में तो कोई ऐसा मामला हमने तो सुना नहीं, हिंसा का मामला नहीं। अरे सुनो, हम लोग किसान आदमी है, हमारा खेती का पैसा है, हम तो अपना काम करके और देश को अनाज पैदा करके खिलाने का काम चलते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, अगर कांग्रेस ने आश्वासन दे दिया कि आरक्षण हम देंगे तो फिर आप किसके तरफ? भाई कांग्रेस ने तो पहले भी दे दिया था, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह सन 2014 में अपनी जेब में इस्तीफा गेर कर लेकर गए थे, और उन्होंने कहा था या तो चौधरी अजीत सिंह का इस्तीफा होगा मंजूर या आज आरक्षण होगा, तो उसी दिन आरक्षण रात के 12:15 बजे हम लोगों को मिल गया। मोदी जी कह रहे हैं जाति जनगणना के तहत कांग्रेस गरीबों को बांट रही है। ये मोदी बांट रहा है, वो नहीं बांट रही, कांग्रेस नहीं बांट रही भाई, ऐसा हो तो उनका राजनीति खड़ा है। हम आ रहे आरक्षण मांगने, वो तो उनका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हम इतनी लंबी चौड़ी नहीं जानते। हम तो नहीं जाना, अगर हम आरक्षण मिल जा, हमारी फसल का वाजिब मूल्य मिल जा, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बिल माफ करे थे वे बिल माफ हो जा, हम तो केवल उसके लिए आ रहे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सारा हक
अल्पसंख्यक समुदाय को मिल जाएगा, तो हिंदू को हिंदू कहाँ जाएंगे? तो हिंदू तो जा रही है, तो मोदी नहीं तो ये गांव में देखो जाओ खेती खा रखी, बिजार छोड़ रही है ये गाय, सब खेती तो खा रही है, सब किसान का तो नुकसान हो रहा। कहाँ से के तहत गरीबों को बांट रही है कांग्रेस? हाँ नहीं कांग्रेस नहीं बांट रही, यही बांट रहे भाजपा सरकार ही बांट रही, ये नहीं बांट रहे राशन, कांग्रेस नहीं बांट रही फ्री राशन यही तो बांट रहे किसानों को कर रहे। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ, हम चले हमारी गाड़ी चल रही भैया, जो जाति जनगणना हुआ अमित शाह कह रहे हैं उसमें गड़बड़ी है, हम तो जाति जनगणना के खिलाफ ही नहीं है। नहीं यही है खिलाफ, भाजपा ही खिलाफ है, ये तो सब उन पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे। आरक्षण सबका खत्म कर दो, सबका खत्म कर दो, कहाँ आरक्षण सबका खत्म कर दो ना, ये अनाज ये जो राशन बांट रहे क्यों बांट रहे, कमा के खा, अनाज दे रहे हैं आप फ्री, हमें कहां में कहां दे रहे फ्री, हमें कहां दे रहे फ्री, इस राशन देने से क्या हुआ हमारा तो पटवा, इस राशन देने से ये हुआ कि मजदूर भी गांव में नहीं मिलता, इस राशन देने से ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने 2028 तक कर दिया, बताओ कराने का, अब मजदूर के पास जाएंगे कहेगा नहीं, वो कहेगा मतलब फ्री राशन मिल रहा, हम नहीं जाते मजदूरी पे। तो ये थे हमारे साथ जो जाट आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पे आए थे और कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं तो सरकार ये वाली नहीं चलाएंगे, और अगर आरक्षण कांग्रेस सरकार दे देती तो कांग्रेस सरकार ही बनाएंगे। आपकी इन लोगों के साथ क्या राय है हमें जरूर बताएगा, और देखते रहे जनता आवाज।